गुड मॉर्निंग, बल्कि फ्रेश मॉर्निंग बोलनी चाहिए। मॉर्निंग के 6 o'clock हुए हैं। मैंने कई दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि यूट्यूब से थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। आज मॉर्निंग से ही वीडियो शूट कर रही हूं। तो अभी कॉलोनी में मॉर्निंग के टाइम क्या ज़्यादा लोग वॉक नहीं करते हैं, सबकी छुट्टियाँ चल रही बच्चों की और ऑफिसेस वगैरह में, तो लोग थोड़ा लेट उठ रहे हैं। इसलिए जबलपुर में 7, 8, 9 अप्रैल को फुल लॉकडाउन था, ना कोई गाड़ियां चल रही थी, 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर सब बंद थी। तो आज है 9 तारीख, आज भी बंद रहेंगी, पूरे शॉप बंद है, सब बंद है, मतलब बिल्कुल सब कोई फुल लॉक्ड हो गया है अपने घर में। तो वो तो अच्छा है कि हम लोग की कॉलोनी है तो थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं, और यहाँ हम लोग कॉलोनी में भी किसी से एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, बात भी करते तो काफ़ी दूर होकर बात करते हैं। जबलपुर में कल एक फिर से कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। अभी तक हम लोग निश्चिंत बिल्कुल बैठे थे, क्योंकि जबलपुर को निगेटिव घोषित कर दिया गया था। यहाँ कोई कोरोना वायरस का अभी तक सिम्टम किसी में नहीं पाए गए थे। 8 लोग थे जो कि वो रिकवर भी हो गए थे, कुछ लोग को डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, घर भेज दिया गया था। बट कल एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो थोड़ा सा हम लोग की धड़कन भी तेज़ होने लगी, क्योंकि यार हो भी रहा है ना कि कोरोना वायरस से ऐसा मतलब वायरस है जो कि अभी कोई मतलब वैक्सीन वगैरह नहीं है, इसलिए डर लग रहा है। हे गाइस, गुड इवनिंग। लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे सब लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम है जो कि फैमिली के साथ रहने का अच्छा मौका मिला है। इसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि हम अगर निगेटिव की तरफ जाएंगे तो प्रॉब्लम और स्ट्रेस के अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम भी पॉजिटिव रहें हमेशा और अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ जो मैं घर के लिए बना रही हूँ, स्नैक्स स्टोर करने के लिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि समय बाहर का कुछ भी नहीं खाया जा रहा है, कुछ भी हम लोग बाहर का नहीं लाते हैं, तो इसलिए जो कुछ स्नैक्स वगैरह मैं बनाकर रख लेती हूँ तो कुछ दिन तक चलता, क्योंकि सब घर पर रहते हैं तो कुछ भी खाने का मन करता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। आज आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूं कि जो आप उसको स्टोर कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, ऐसा स्नैक्स लेकर आई हूं। तो आज मैं आपको माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में नान खटाई बनाना बताऊंगी। उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा मैं फटाफट दिखा देती हूँ आपको। नान खटाई में जो सामान लगेगा वो ये है, 2 कप मैदा, 1 कप बटर, 1 कप पिसी शक्कर, 7-8 इलायची का पाउडर, ये थोड़े से सजाने के लिए पिस्ता और बेकिंग पाउडर। तो ये सामान मैंने लिया है। आपके पास अगर मेजरिंग कप ना हो तो आप कोई भी चाय पीने वाला कप या कटोरी से भी आप ऐसा मेजरमेंट कर सकते हैं। बटर और पिसी शक्कर बराबर लेना है और उसी का डबल मैदा लेना है। तो चलिए मैं इसका पहले डो तैयार कर लेती हूँ, आटा बना लेती हूँ नान खटाई के लिए। एक ऐसा बर्तन लेंगे, इसमें मैं ये पिसी शक्कर डालूंगी और इसमें मैं बटर ऐड कर रही हूँ। शक्कर और बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर और मैदे को आटे की चलनी से चाल लिया है मैंने, कोई भी चीज बगैर चाले में यूज करेंगे। आप चाहें तो इसको किसी चम्मच से भी फेंट सकते हैं, बट मेरे पास फेंटने के लिए हैंड मिक्सर है, इसलिए मैं इससे जल्दी हो जाएगा। जब मेरे पास नहीं था हैंड मिक्सर तब मैं चम्मच से ही फेंटती थी। मक्खन और शक्कर फेंट लिया, बिल्कुल लाइट हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिलाएंगे।
मैं बेकिंग पाउडर मिलाना भूल गई हूँ, तो इसमें मैं मैदे में ही हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर मिलाऊंगी, चलने से छान लूंगी। इसको मिला लेंगे इसी में, और ये इलायची पाउडर भी मिला लेंगे। ये नान खटाई का आटा लग गया है, अब इसको मैं ढक करके 2 घंटे के लिए रख दूंगी, फिर इसकी छोटी छोटी गोली बना करके माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में डाल करके नान खटाई बना लूंगी। अब मैं आपको 2 घंटे बाद मिलती हूँ। नान खटाई का आटा रेडी हो गया, इससे अब छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। तो चाकू की हेल्प से क्रॉस का ऐसा निशान बना देंगे ऐसा, और इसमें ये पिस्ता जो लिया था इसको बीच में से लगा देंगे। खटाई का है सांचा, इसमें थोड़ा सा बटर लगा देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे बटर से। इसमें सारी नान खटाई रख लेंगे। ये नान खटाई इस तरह बना ली है, अब इसको मैं माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में रखूंगी। कन्वेक्शन मोड को प्रेस करना है, 180 डिग्री पे रहेगा ये, और फिर स्टार्ट बटन दबा करके इसको 5 मिनट के लिए, पहले पहले गर्म कर लेते हैं फिर स्टार्ट। अंदर एक स्टैंड रखा है छोटा वाला, प्रीहीट के लिए स्टार्ट कर दिए। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक मैं, ये एक दूसरी प्लेट है इस पे मैं गोलियां बना करके रख लेती हूँ। इसको अंदर रख देते हैं। को सेट कर देंगे कन्वेक्शन मोड में, स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। ये अच्छी नान खटाई फूल गई है, इसको अब बाहर निकाल लेते हैं। ये नान खटाई रेडी हो गई, बहुत ही यम्मी बनी है।